लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। आज सुबह सुबह मैं दिल्ली से अहमदाबाद आया। अहमदाबाद एयरपोर्ट से जब बाहर निकल रहा था तो एक कर्मचारी ने मुझे रोका, कहता है सर सेल्फी खिंचवानी है आपके साथ। सो उन्होंने सेल्फी खिंचवाई, फिर मुझसे पूछा कैसे आना हुआ। मैंने कहा यशुदान जी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कहते अच्छा। वो कहता है यशुदान तो गुजरात का केजरीवाल है। तो यशुदान जी, गुजरात की जनता आपको बहुत प्यार करती है, आपको हीरो के रूप में देखती है। गुजरात के लोगों ने आज़ादी के लड़ाई में बहुत अहम भूमिका निभाई। देश के सबसे बड़े नेता गुजरात की धरती ने दिए, और केवल नेता नहीं दिए, आम लोगों ने भी आज़ादी की लड़ाई में बड़ी बड़ी शहादतें और कुर्बानियां दी। देश आज़ाद हुआ, पूरा देश रियासतों में बटा हुआ था, फिर सरदार पटेल ने बीड़ा उठाया कि देश को एक करना है। रात दिन 24 घंटे मेहनत करके उन्होंने पूरे देश को इकट्ठा किया। उसके बाद क्या हुआ, पिछले 75 साल अधिकांश कांग्रेस और बीजेपी की सत्ता की कहानी है, और आज गुजरात की जो हालत है वो बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों की कारस्तानी है। पिछले 27 साल से गुजरात में एक ही पार्टी की सरकार है, लेकिन पिछले 27 साल इन दोनों पार्टियों के गठजोड़ की कहानी है, दोनों पार्टियों की दोस्ती की कहानी है। कहते हैं, मुझे नहीं पता, आपको तो ज़्यादा पता होगा, कि कांग्रेस बीजेपी की जेब में है। जब जब बीजेपी को ज़रूरत होती है तो माल कांग्रेस सप्लाई करती है। ऐसे कैसे चलेगा, गुजरात के कौन सुध लेगा? आज गुजरात के किसान आत्महत्या कर रहे हैं 75 साल के बाद। गुजरात के सरकारी स्कूलों की बुरी हालत है, गुजरात के सरकारी अस्पतालों की बुरी हालत है, गुजरात के व्यापारी डरे हुए हैं। डरने की क्या जरूरत है, अब तो देश आजाद हो गया, किसी की हिम्मत नहीं है। अभी कुछ साल पहले मेरा एक दौरा लगने वाला था, गुजरात का एक बहुत बड़ा चेंबर ऑफ कॉमर्स है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। एन वक्त पे गुजरात के अथॉरिटीज ने उन पे प्रेशर डाल के मेरा दौरा कैंसिल करा दिया। ये क्या बात हुई, गुजरात के व्यापारी डरे हुए। और पिछले एक साल के अंदर कोरोना काल के दौरान जिस तरह से गुजरात को अनाथ छोड़ दिया गया, ऐसे लगा जैसे गुजरात के लोगों की सुध लेने वाला कोई नहीं है, गुजरात के लोगों का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। ऐसे हालात के अंदर यशुदान गढ़वी जी ने जो निर्णय लिया राजनीति में आने का, मैं यशुदान जी को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनको क्या जरूरत पड़ी थी, जब किसी का करियर खत्म हो जाता है, जब किसी को कोई पूछने वाला नहीं होता, तब अगर कोई छोड़ छाड़ के राजनीति में आए तो समझ में आता है, लेकिन अगर कोई अपनी करियर की पीक पे अपने करियर को लात मार के राजनीति के अंदर आए तो वो गुजरात की जनता के लिए आ रहा है। पिछले कुछ सालों से यशुदान जी
अपने टीवी चैनल के और अपने कार्यक्रम के जरिए एक एक आम गुजराती की आवाज़ बने हुए थे, उनकी आवाज़ उठाते थे, लोग उनके साथ अपने आप को रिलेट करते हैं। आज गुजरात का हर व्यक्ति यीशुदान जी के साथ रिलेट करता है, लोगों को लगता है कि वो हमारी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सिस्टम के बाहर रह के आवाज़ उठा के समस्याओं का समाधान करवाने की अपनी एक सीमा है। सिस्टम के बाहर रह के हम नुक्स निकाल सकते हैं, शोर कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, टीवी के ऊपर आवाज़ उठा सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, न्यूज़ में दिखा सकते हैं, लेकिन अगर सामने वाली सारी पार्टियां मिली हुई हों और उनको सुनने की ज़रूरत ही नहीं, अगर सामने वाली पार्टियां कहे जो करना है कर लो, हमें तो कोई परवाह नहीं है, तुम जितनी आवाज़ उठानी है उठा लो, हमें तो कोई परवाह नहीं है, चुनाव का नतीजा तो पता ही है, हमें तो जीतना ही है, तो फिर क्या करेगा कोई आदमी। तो इन्होंने तय किया कि अब सिस्टम के अंदर जाके कीचड़ के अंदर उतर के कीचड़ को साफ करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि ये इनका बहुत बड़ा त्याग है, ये छोटी बात नहीं है कि अपने कैरियर के पीक के ऊपर, कैरियर के टॉप के ऊपर जब कोई आदमी बैठा है और वो अपनी कैरियर को लात मार के अगर वो राजनीति में आया है, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, इनके त्याग को सलाम करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि जो आम गुजराती आज विकल्पहीन हो गया था, उसे लगता था कि विकल्प ही नहीं बचा गुजरात की राजनीति के अंदर, ये दोनों तो एक ही हैं, इनको वोट देना है इनको वोट देना है कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक ही हैं ये दोनों, आज उनको एक सार्थक विकल्प मिला है। गुजरात के अंदर बैठा हुआ भी हर आदमी देख रहा है कि अगर दिल्ली के अंदर बिजली मुफ्त हो सकती है, 24 घंटे बिजली हो सकती है, तो गुजरात के अंदर बिजली इतनी महंगी क्यों है। गुजरात के अंदर बैठा हुआ आदमी देख रहा है कि अगर दिल्ली के अस्पताल 5 साल के अंदर इतने अच्छे हो सकते हैं, दिल्ली के स्कूल 5 साल के अंदर इतने अच्छे हो सकते हैं, तो 70 साल के अंदर गुजरात के स्कूल और अस्पताल अच्छे क्यों नहीं हुए। अब होंगे, अब बदलेगा गुजरात। अब यीशुदान भाई ने जो बीड़ा उठाया है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आज हम सब लोग मंदिर में बैठे हुए हैं, पवित्र स्थान पे बैठे हुए हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो सपना गुजरात के लोगों का सपना पूरा करने का जो यीशुदान भाई ने संकल्प उठाया है, वो यीशुदान भाई, गोपाल इटालिया जी, मनोज भाई, इनकी पूरी टीम गुजरात के 6 करोड़ लोगों के साथ मिलके अब सब मिलके गुजरात को बदलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।